अस्सलाम वालेकुम असद। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर YouTube चैनल। सो गाइज, आज है जुम्मा और आप सभी को रमादान का तीसरा जुम्मा मुबारक। अभी हम जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि घर के अंदर फ्रूट्स सब ख़त्म हो चुके हैं। काफ़ी टाइम से जाने का दिल भी नहीं करता, मार्केट जाने का बोलो तो रोज़े की हालत में बाप रे बाप बहुत हालत ख़राब हो जाती है। और हमारे एरिया में जो फ्रूट्स वाले आते हैं तो मुझे दिल ही नहीं करता उनसे लेने के लिए, क्योंकि सबसे पहली बात तो मीट सबसे पहली बात तो फ्रूट जो होते हैं ना बहुत मीठे ही नहीं होते, उनके एकदम फिट्टूस होते हैं। इस वजह से हमारे एरिया में मैं लेती नहीं हूँ। और अगर मार्केट से अम्मी लाते हैं तो वो भी सही नहीं लाते, है ना सर? उस टाइम नानी कैसे लाते, एकदम बिल्कुल फिट पूरा फीका था कलिंगड़। तो आज मैं जा रही हूँ मार्केट, और इसी के साथ ही साथ कपड़े सिलाने डालना है, मेरा हाथ दर्द बहुत कर रहा है तो कपड़े सिलाने के लिए डाल रही हूँ। चलिए आज आपको मस्जिद मोहल्ला को एक्सप्लोर करके दिखाऊंगी कि रोज़े की इफ्तारी के टाइम पे वहाँ पे क्या क्या मिलता है, और कुछ इफ्तारी होंगी तो मस्जिद मोहल्ले में भी मैं दे दूँगी। तो चलिए पहुँचते, धूप बहुत है और रोज़ा काफ़ी ज़्यादा लग रहा है मुझे रोज़ा बहुत लग जाता है, तबीयत दो तीन दिन से ज़रा अच्छी नहीं लग रही थी। तो दोपहर के हो रहे हैं, 4 बज रहे हैं, और अभी दोपहर में मैं निकल रही हूँ असद के साथ फ्रूट्स लाने के लिए, क्योंकि अभी शाम होने का अगर इंतज़ार करूँगी ना तो इफ्तारी में घर पे नहीं पहुँच पाऊँगी। दो दिन से तबीयत सही नहीं लगने की वजह से मैं कुछ बना नहीं पा रही हूँ घर के अंदर, डिश भी बाहर से भजिए वजिए मंगा रही हूँ। असद को बोले चल लेके आ जा बाहर से, क्या करूँ एकदम नींद वो हो जा रही ना, नींद नहीं मिल पा रही सही से, और नींद आ रही है तो फिर उठने का दिल ही नहीं कर रहा, और रोज़े की हालत से रहकर ना पूरी बॉडी पेन कर रही है। तो आज आपको मस्जिद मोहल्ले को भी अच्छे से एक्सप्लोर करके दिखाऊंगी। हमारे उरन में इफ्तारी के लिए भी मस्जिद मोहल्ले में बहुत सारे रेसिपीज़ या ना डिश बनते हैं, तो वो भी दिखाऊंगी कि क्या क्या मिलता है यहाँ पर। बहुत कुछ है उरन के अंदर भी दिखाने के लिए, रेसिपीज़ होती है। और मस्जिद मोहल्ले में एक मोहल्ला एरिया है, जो एरिया आपको दिखाऊँगी वहाँ पर क्या क्या मिलता है, और जो ड्रेस है ईद के लिए वो सिलाने के लिए भी दिलवा देती हूँ। आप प्लीज़ नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, मेरी छोटी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनना। इंशाल्लाह अभी नए नए ब्लॉग्स आने लग जाएंगे, मोहम्मद अली रोड के भी ब्लॉग्स ज़रूर आएंगे, तो आप लोग दुआ में ज़रूर याद रखिए और अपनी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। पूछ लेती कलिंगड़ कैसा दे रहे, कलिंगड़ कैसा, ये वाला 100 रुपये और ये वाला 250। सबसे पहले मैंने फ्रूट्स लेने के लिए स्टार्ट किया था चार फाटे से, वहाँ पर एक एक स्टॉल आपको फ्रूट्स के ही देखने के लिए मिल जाएंगे। कैसा दे रहे पपैया, देखते पूछते तो छोटा छोटा पपैया कैसा, और सेब भी बताना, सेब 180 रुपये और पपैया। तो आपने सुना यहाँ पर फ्रूट्स के रेट इतने ज़्यादा हाई है कि जैसे जैसे रमादान के रोज़े ख़त्म होने आ रहे हैं मुझे लग रहा है कि रेट कम हो जाएगा, लेकिन रेट काफ़ी ज़्यादा फ्रूट्स के चल रहे हैं। फिर भी क्या करें, लेना ही पड़ेगा, क्योंकि रोज़े से बच्चे घर में होते, मैं भी हूँ। कलिंगड़ ले लेगा हेलो पहले वहाँ पे भी लगाए ले भैया। पाइनएप्पल कैसा, 100-150 वाला, ये 100 वाला कुछ कम फिक्स है, फिक्स है। ओ भाई हाँ अच्छा था, उस दिन सही दिए थे। खरबूजा दिखाओ ना कैसा दे, हाँ खरबूजा निकालो। तो मेरे पिछले वाले ब्लॉग के टाइम पे मैंने इन भाई से फ्रूट्स लेके गई थी, माशाल्लाह बहुत अच्छे फ्रूट्स थे इनके पास, तो फिलहाल मैंने यहाँ से खरबूजा ही ली हूँ। 100 रुपये ही किलो है वहाँ पे भी। अभी मैं पाइन एप्पल ले रही थी, महंगा है बहुत, महंगा नहीं महंगा, मैं कम भी तो नहीं कर रहे भैया ना। यहाँ पे पाइन एप्पल कैसा दे रहे, हाँ कोई भी बता दे, गवा नहीं लेना है। चीकू कैसा, और ये ग्रेप्स 40 रुपये पाओ, 70 का आधा मीठा है, पाव पाव करके थैली अलग कर देना। लेकिन तो फिलहाल हम लोग ने डिसाइड किया कि मस्जिद के लिए भी ले लेते हैं यहाँ से, और भाई भर रहे हैं फ्रूट्स बहुत महंगे लेकिन। ये फिर रमजान तक फ्रूट्स महंगे या फिर बाद में भी, पहले से सच कहूँ तो महंगाई के साथ तो ये फ्रूट्स का तो समझ में ही नहीं आता, इतना ज़्यादा महंगा। यही देख लीजिए आप कि ये मैं फ्रूट मैं उनको पूछ रही हूँ तो उन्होंने कहा पाव किलो 60 रुपये, तो मैं इसलिए असद को बोली चल आगे से ले लेते देख लेते क्या है। कलर देखना कितने मस्त फ्रूट्स के, कलर रंग बिरंगे। आम भी है, कलिंगड़ लिया था ना, नहीं ले लेगा पूछ ले भाई।
कलिंगड़ कैसा दे रहे? ये कितना? 60। और ये? तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते हुए गई, यहाँ पे फ्रूट्स वाले जो भाई है, कलिंगड़ बहुत अच्छा सस्ता लग रहा था क्योंकि 60 रुपये का एक और एक 70 वाला था, तो उन्होंने कटिंग करके भी दिखा दिया। लाल लाल था एकदम, और इतने सारे देख सकते हो कितने सारे कलिंगड़ सेल करने के लिए है। सभी बोलते ना शॉप का जहाँ पर जो लोग स्टॉल लगा कर बेच रहे उनका रेट काफ़ी ज़्यादा अलग अलग था, इसलिए मैं सबके पास से अलग अलग प्राइस में, यानी किसके पास कुछ कम में आ रहा है। और मेरी एक आदत है कि मैं सबके पास से थोड़ा थोड़ा करके ही स्टॉल से लेती हूँ, इकट्ठा एक स्टॉल से मैं कुछ खरीदती नहीं, क्योंकि मैं मेरे जहन में एक ही चीज़ होती है कि मैं सबको थोड़ा थोड़ा जो भी मेरे से हो सकता है मैं सबको सबकी बोनी करना चाहती हूँ, या फिर जो भी समझो आप, मैं ऐसी ही मेरी थिंकिंग है कि मैं एक एक स्टॉल पर जाती हूँ, जो भी चीज़ें समझ में आती है तो मैं लेती हूँ। तो जैसे कि ये बच्चा चीकू बेच रहा था, मैंने इसे आधा किलो चीकू ले लिया क्योंकि मुझे मस्जिद में भी देना था, तो मैंने इसे कहा कि भैया बेटा दो डिवाइडेड करना, मुझे मस्जिद में भी देना है। अच्छा लग रहा ना हेल्प करके? एप्पल तो बहुत ज़्यादा महंगे थे ये आंटी के पास, 160 रुपये किलो के हिसाब से बेच रहे थे, इसलिए मैंने आगे से ले लिया, मुझे सस्ता में पड़ा। थोड़ा आगे गई तो मुझे कुछ 120 रुपये किलो पड़ा। तो आपको सेवई भी देखने के लिए मिल जाएंगी क्योंकि ये तो शुरुआत है रमादान की, ईद की। तो मैं उठा के लेके आती इतना सामान, तभी याद नहीं आता मम्मी इतना लाती है। हाँ वो ले ले साथ में, क्योंकि आते टाइम सामान और है, ला ये देते क्या आते है ना उसमें, अभी कटलेट वटलेट लाना है। रख दो प्लीज़। हाँ थैंक यू, मैं आपके लेती हूँ। जैक फ्रूट वाला कैसा दे रहे? 50 रुपये। असद का काफ़ी ज़्यादा मन कर रहा था जैक फ्रूट खाने का, तो ये फाइनली ये भाई मिल गए जो दे रहे थे 50 रुपये पाव किलो, तो मैंने सोचा चलो ले लेती हूँ क्योंकि मन कर रहा है, रोजे से रहते बच्चे तो मैं बोली जाने दो, थोड़ा सा पैसों के लिए क्या देखने का मुँह। होटल देखते शरबत की आज ली, कौन सी आपके पास? भाई जेरी नहीं, पानी में डाल के वो करने वाला, दो मुझे शरबत है ये। ओ भैया जेली जेली बोल रहा है, दिखा लिक्विड एकदम गाढ़ा है, कितने का ये? छोटी बोतल नहीं आती क्या इसमें एकदम? दिखाओ वो वाली, ये कितना बोले? 50। हाँ ये सही है, चल जाए ना फिर, 12 तो रोज रह गए और कहा इतना पीगा। चलो ठीक है ले आ जा। कैसा दे रहे केला? कितना? 55। ऐसा कुछ नया बताओ जो मैं सुनू और रुकू भी और जाऊँ नहीं। बोला बोला तैयार तैयार। हाँ थोड़ी कच्चे कच्चे डालो नरम, और एक काम करो आधा डजन है ना अलग करो, एक डजन अलग रखो। गाइस अभी फिलहाल हम लोग अंदर जाने वाले हैं मस्जिद मोहल्ले में, तो देखते हैं क्या क्या वहाँ पे अभी है। अच्छे प्रिंट में आता है, इसको जो ज्यादा भी आएंगे इसमें, अभी सबका प्रिंट अलग अलग रहता है ना, समझा, वही से इसमें आ जाएंगे, उसका कोई इशू नहीं, इसमें अलग अलग प्रिंट मिल जाएंगे उसको। मेरे को लगता है क्या चाहिए मालूम है भाई, वो चकमक चकमक पीछे जो उस टाइम पे ली थी ना, याद है आप लोग से? वो सामने फ्रंट पे पूरा था वो ऐसा वाला। देखो अगर रात तो बताना, फिर संडे के दिन आ रही हूँ मैं। मिल गया ये क्या है? ऐसे ही चाहिए मुझे। ये क्या पहने का? कितने का ये प्राइस में इसका? 650 ना, अब बोलना मत मेरे को, फिर कट कुट के पैसा तेरा वो करूँगी। ज्यादा आना चाहिए जोड़े, 7-8 तो आना चाहिए। कपड़े महंगे नहीं है क्या? अच्छा कितना बोले उसका? 650 कम हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये सिर्फ एक क्षण यहाँ से ले लेते, इसको ये पैटर्न चाहिए था इसलिए वो कब से वो कर रहा था। तो आपको बताना चाहूँगी मैं हर साल मेरे बच्चों के जो भी कपड़े होते हैं वो ईद के राज कलेक्शन से ही लेती हूँ, और ये भाई से खास कर लेती हूँ क्योंकि भाई डिस्काउंट भी काफ़ी अच्छा देते हैं। तो मैंने सोचा चलो संडे के दिन अभी आती हूँ एक ट्रैवल फिर से, अब इन लोगों के कपड़े लेना है, तो मोहम्मद अली रोड जाऊँ या नहीं जाऊँ वही सोच रही थी। तो मुझे ये कुर्ता बहुत अच्छा लग रहा था, सोच रही थी रेहान को लूँ, लेकिन भाई ने बताया प्राइस का 1200 कुछ 1300, तो मैं भाई को बोली नेक्स्ट टाइम आती हूँ कुछ डिस्काउंट अच्छा देना तो ज़रूर लूँगी। 1000 रुपये ना, आ जाए कम करके आती हूँ तुमको बताऊंगी, आती हूँ मैं। सेब कैसा दे रहे? 150 रुपया किलो, कम हो जाएगा? जितना है पूरा दे देंगे हिसाब से। नहीं मुझे 1 किलो ही चाहिए सेब। 140 कर दो, तैयार वाले अच्छे निकालना जरा। तो ये है उरन का मस्जिद मोहल्ला, और आपको यहाँ पर बड़ी ज़्यादा तादाद में मुस्लिम कम्युनिटी ही देखने मिलेंगी।
कैसा तेरे पीस? 15 रुपए कोई भी? और क्या है? लारी को फालूदा दे दो, दो दे दो। बिना रमादान के रोज़े में फालूदा तो अधूरा ही है, और हर साल हम लोग कभी भी अम्मी हो, अब्बा हो या कोई भी हो जाते हैं तो ये खाला जो है इन्हीं से हम लोग फालूदा लेते हैं, क्योंकि एक रिश्ता भी है इनसे, एक बातचीत का रिश्ता बहुत अच्छा खासा है, इनसे ताल्लुकात भी है। चलो ठीक है, हाँ मेरे को, मैं वही अब्बा को पहले बोलती लेके आओ। और क्या लेना है? पाइनएप्पल कैसा दे रहे हो? ये कितना? दे दो, हाँ पीस कर दो। कलिंगड़ है ना, और इतना। सो गाइस, फिलहाल तो अभी मस्जिद मोहल्ले में हम लोग जा रहे हैं, यानी मस्जिद में जा रहे हैं। असद को मैंने बोल दी हूँ कि तू जाके मस्जिद में देके आ जा, जो भी होता है जो हम लोग ने लिए फ्रूट्स मस्जिद में देने के लिए। और जस्ट अभी बैक साइड पे देख सकते हैं, अभी फ्राई करने वाली चीज़ें तो ज़्यादा स्टॉल दिख नहीं रहा है, फिलहाल लिमिटेड स्टॉल दिख रहे हैं मुझे। सो गाइस, ये आपको बताना चाहूँगी, ये है उरन की मस्जिद, मोहल्ले की मस्जिद। माशाल्लाह, ये दे दे गेट के पास, अंदर ठक ठक कर ले उधर, वहाँ दे दे ठक ठक करके। तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरे बैक साइड पर ये है मस्जिद मोहल्ले की मस्जिद। हम लोग ज़्यादा आते नहीं है मस्जिद में, मस्जिद मोहल्ले में, क्योंकि वक्त नहीं मिलता है और बहुत दूर पड़ जाता है, और बच्चे लोगों को नमाज को मस्जिद पे ना भेजने का रीज़न यही है कि इतना डिस्टेंस हो जाता है ना, और उतना आ नहीं पाएंगे, इसलिए आ गया। चलो अभी थक गया ना, सामान लेना आगे पकड़ ले, इतना उठा उठा के लेके आती तब इसको एहसास नहीं होता। पार्सल लेंगे बाबा, आप रोजे से उके पीऊंगी। क्या है ये, दिखाओ कैसा है, पीने का नहीं है, दिखाओ सिर्फ। अच्छा ये वाला पक्का? नहीं नहीं, वो ये डायरेक्ट पीने वाला है क्या? वो पानी वानी या दूध कुछ नहीं, ठंडा में रखने का। भाई शोरमा कर दो पार्सल। तो ये है शोरमा, और सबसे अच्छा शोरमा तो मैं, मुझे माहिम में ही पसंद है। सच में माहिम का जो स्वाद है ना, ज़रूर वो आता ही नहीं है यहाँ पे। तो मैं हमेशा कभी भी अगर साल में एक बार या कभी जाने का ऐसा मुंबई में मिलता ही है ना मौका, तो मैं माहिम का शोरमा ज़रूर खा लेती हूँ। बस ये रोल नहीं समझ आ रहा, ठीक इतना ही। फिरनी भी है? फिरनी भी रखी। कैसी फिरनी? 40 कर दो। मोहम्मद अली रोड पे खाने मिलता है ज़्यादा, फिलहाल एक दो। तो ये भाई के स्टॉल पर काफ़ी ज़्यादा चिकन की वैरायटीज़ थी, और अनएक्सपेक्टेड, मुझे लगा ही नहीं था कि फिरनी यहाँ पर मिलेंगी, जो कि मैं ज़्यादा मोहम्मद अली रोड कभी, अगर मुझे ऐसा लगता है कि खाने के लिए वहीं मिलेगा, क्योंकि उरन में कुछ खाने के लिए ज़्यादा फिरनी मिलेंगी नहीं, तो यहाँ मिल गया मुझे। लेकिन काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ है इनके पास, प्राइस भी वर्थ है, इतना भी ज़्यादा नहीं है। अभी ऑब्वियसली बात है कि इफ्तारी के टाइम पे तो होता ही है 19-20-25-30 रुपए के एक एक चीज़ तो, बट बेसिकली वैरायटीज़ बहुत है इनके पास। इनका शॉप मैं आपको दिखा देती हूँ मस्जिद मोहल्ले में। तो अफजल कैटरेस के नाम से है इनका स्टॉल लगा हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ थी, इसके वजह से मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप लोग ज़रूर यहाँ से लेना ज़रूर। तो रगड़ा भी है इनके पास, मुझे अनएक्सपेक्टेड लगा कि मस्जिद मोहल्ले में आने के बाद ना मुझे सारी चीज़ें मिलेंगी नहीं, बट बात करेंगे तो एक स्टॉल पर पूरी चीज़ों की वैरायटीज़ है, और बेसिकली उरन करके लोगों के लिए काफ़ी अच्छी खासा है, यहाँ के मस्जिद मोहल्ले में लोगों के लिए अच्छा खासा है कि लोग आते भी हैं और नज़दीक भी हैं उन लोगों के लिए, हमें तो काफ़ी दूर से आना पड़ता है। तो चलो मैं ले लेती हूँ फिलहाल बॉट। कितना बजा, टाइम कितना हुआ? 5:20 हो गया, फटाफट मैं लेके निकलती हूँ। टाइमिंग क्या है, टाइमिंग क्या है? तो ये फ्रेश फ्रेश बनता है ना एकदम? आ जा, है क्या खत्म? चलो ठीक है। गाइस फिलहाल तो अभी यहाँ पे ले ली मैंने मस्जिद मोहल्ला, आपको दिखा दी पूरी तरह से, और यहाँ पे क्या क्या स्टॉल पर थी चीज़ें, वो भी वैरायटी काफ़ी ज़्यादा मस्जिद मोहल्ले में वैरायटीज़ होती है इफ्तारी के वक्त में। अभी तो 5:20 हो गया, लेकिन आपको बताना चाहूँगी 5:20 के बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा और लाइन लगती है। एंड सबसे बेस्ट आपको मैं बता देती हूँ, ये रेस्टोरेंट, ये बहुत यूसुफी का एक नाम है, जूस ले लेती हूँ। अभी मैं जो होटल में रुकी हूँ ना, यूसुफी नाम का रेस्टोरेंट है, काफ़ी ज़्यादा पुराना है, और दूध कोल्ड ड्रिंक यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिलता है। ये बहुत है, ये बोलते ना इतना साल पुराना है ना, हम लोग जब भी आते थे ना
तो यहाँ पे दूध कोल्ड ड्रिंक सबसे ज्यादा मशहूर है। तो गाइस ब्लॉग एंड यहीं करूँगी, अभी घर पे निकल रही हूँ और इफ्तारी का वक्त हो गया है, तो फिलहाल हम लोग अभी जा रहे हैं। और चलिए दुआ में याद रखिए, और ब्लॉग आप पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना कैसा लगा आपको बाजार।